तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 10th क्लास साइंस से, जो कि फर्स्ट चैप्टर जो है वो केमिस्ट्री का है, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो आइए इस चैप्टर के अंतर्गत किन किन टॉपिक्स की हम स्टडी करेंगे उनके बारे में डिटेल में जानते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है, कैसे एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं, कोरोजन क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है, इन टॉपिक्स को हम खास तौर पर इस चैप्टर में स्टडी करने वाले हैं। तो आइए बच्चों पहले टॉपिक की बात करते हैं, जो कि है केमिकल रिएक्शन। बच्चों हम डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट देखते हैं जिनमें केमिकल रिएक्शन होती रहती हैं। जैसे कभी भी हम लोहे की जो वस्तुएं होती हैं उनको अगर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर नमी वाले स्थान पे छोड़ देते हैं तो उनमें जंग लग जाती है। तो वो क्या है, वो केमिकल रिएक्शन की वजह से है। हमने देखा होगा मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पर गर्मियों के दिन में छोड़ देते हैं तो वो कर्ड में दही में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। हमारे भोजन जब बॉडी में जाता है, फूड जब बॉडी में जाता है तो वो डाइजेस्ट होता है, तो कई सारी केमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है वो, तो वो वहाँ पे भी हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं। तो ऐसी कई सारी डेली सिचुएशंस होती हैं जिनमें हम केमिकल रिएक्शंस को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए बच्चों बात करते हैं कुछ ऐसी सिचुएशन डेली लाइफ में जहाँ हमें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलती हैं। केमिकल रिएक्शन क्या है, जब कोई रिएक्टेंट किसी प्रोसेस से होकर गुजरता है और वो कोई किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते होते अपने रूप को बदल लेता है, अपनी स्टेट को बदल लेता है, अपने टेम्परेचर को बदल लेता है, पूरा किसी अन्य प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, वो है केमिकल रिएक्शन। तो कुछ ऐसी डेली लाइफ सिचुएशंस को हम देखेंगे जिनमें केमिकल रिएक्शन होती रहती है, जिन्हें से हमें केमिकल रिएक्शन को समझने में बहुत आसानी होगी। बच्चों आपने देखा होगा मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर पे गर्मियों के दिनों में छोड़ देते हैं तो वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। आपने देखा होगा आयरन पैन या नेल जो होता है, लोहे का तवा वगैरह होता है, जो लोहे की वस्तुएं होती हैं उनको हम ह्यूमिड एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं तो जंग लग जाती है, वो भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसके बाद बात करते हैं ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड। ग्रेप्स जो होते हैं उनसे वाइन बनाई जाती है, तो वहां पे भी बहुत सारे चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं जो कि केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फूड इज कुक्ड, फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी में जो भोजन का डाइजेशन होता है तो वो भी केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। और जब हम सांस लेते हैं तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम इसको देखते हैं कि जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन को लिया जाता है और CO2 को छोड़ा जाता है। तो ऑक्सीजन एक रिएक्टेंट का काम कर रहा है और CO2 एक प्रोडक्ट है। तो किस प्रकार ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हुई है, तो एक रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बना है तो उसकी पूरे कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, इसी को केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बच्चों आगे देखते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन जब होती हैं तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जर्वेशंस हैं जिनकी मदद से हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुई है। तो जो रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बनता है तो क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, चेंज इन स्टेट, अवस्था में चेंज हो सकता है। कोई रिएक्टेंट हो सकता है वो गैसियस फॉर्म में था, प्रोडक्ट बनते बनते सॉलिड हो जाएगा वो, हो सकता है लिक्विड हो जाए वो, तो ये चेंज इन स्टेट हमको देखने को मिलता है। जिस हम एग्जाम्पल लेते हैं कि हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलता है बनता है H2O वाटर, जो कि लिक्विड है। तो यहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट का एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। तो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फॉर्म में एक प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है केमिकल रिएक्शंस में। एवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का निर्माण हो सकता है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी चेंज देखने को मिलता है जब एक केमिकल रिएक्शन होती है। आइए बच्चों आगे बात करते हैं केमिकल इक्वेशन क्या है। केमिकल इक्वेशन केमिकल जो रिएक्शन होती है उसी को फॉर्मूला के फॉर्म में, कुछ सिंबल्स के फॉर्म में लिखने को ही हम केमिकल इक्वेशन
इक्वेशन कहते हैं, मींस केमिकल रिएक्शन ही केमिकल इक्वेशन है। तो आइए इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। देखिए बच्चों, जैसा मैंने बताया था आपको कि केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन इन टर्म्स ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज नोन एज केमिकल इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन को सिंबल्स में और फॉर्मूलाज में रिप्रेजेंट करना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, देखें बच्चों ये क्या है, मैग्नीशियम और ये ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्टेंट हैं और ये दोनों रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो कि एक प्रोडक्ट है। तो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का फॉर्मूला और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हम लिखेंगे और सिंबल्स का यूज करेंगे, इसी को केमिकल इक्वेशन कहते हैं। एक बार और देखते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या है हमारे रिएक्टेंट और मैग्नीशियम ऑक्साइड हमारे लिए क्या है प्रोडक्ट, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो रिएक्टेंट का फॉर्मूला, प्रोडक्ट का फॉर्मूला और सिंबल्स का यूज जहां होता है उसे केमिकल इक्वेशन कहते हैं। आगे देखते हैं बच्चों कि एक केमिकल इक्वेशन को किस प्रकार हम लिख सकते हैं। जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा कि रिएक्टेंट्स होते हैं, प्रोडक्ट होता है, कुछ सिंबल्स का यूज होता है और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिस स्टेट में है उस स्टेट को लिखा जाता है। जैसे सॉलिड में है तो हम एस लिख सकते हैं, लिक्विड में है तो एल लिख सकते हैं, गैसियस फॉर्म में है तो जी लिख सकते हैं, एक्वास फॉर्म में है तो एक्यू हम यूज कर सकते हैं। एक बार देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए रिएक्टेंट्स का यूज करते हैं, प्रोडक्ट का यूज करते हैं, सिंबल्स जिसमें प्लस और एरो ज़्यादातर यूज किया जाता है, स्टेट, स्टेट में हम अगर कोई सॉलिड स्टेट में है तो एस का यूज करते हैं, लिक्विड है तो एल ब्रैकेट में, गैसियस फॉर्म के लिए जी, एक्वास फॉर्म के लिए एक्यू का यूज करते हैं। एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं, देखें बच्चों ये दोनों रिएक्टेंट हैं, कार्बन जो कि सॉलिड स्टेट में है प्लस ऑक्सीजन जो कि गैसियस फॉर्म में है और इनसे क्या बना है CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। एक और एग्जांपल लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड स्टेट में है, लाइमस्टोन भी कहते हैं, हीट की प्रेजेंस में रिएक्शन हुई तो क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्विक लाइम बोलते हैं सॉलिड स्टेट में है और CO2 जो कि गैसियस फॉर्म में है। ये तो ये दोनों केमिकल इक्वेशन के एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि किस प्रकार केमिकल इक्वेशन को लिखा जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। देखें बच्चों, केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। तो किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम जितने रिएक्टेंट्स में हैं उतने ही प्रोडक्ट्स में होने चाहिए, उसी को बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। देखते हैं डेफिनेशन, द केमिकल इक्वेशन इन विच द नंबर ऑफ एटम्स, बच्चों इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखें बैलेंस केमिकल इक्वेशन को समझने के लिए, कि नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज सेम ऑन बोथ साइड्स ऑफ द एरो इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखें यहाँ पे Fe एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी हमको Fe देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो इसको हम एक टेबल में लिखते हैं। तो इधर देखते हैं बच्चों, एलिमेंट्स हमारे पास Fe है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट्स में Fe के कितने एटम्स हैं, तीन एटम हैं और प्रोडक्ट में कितने हैं, तीन हैं, ये दोनों साइड हम लिखते हैं। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में कितने एटम हैं, फोर टू जा एट, आठ एलिमेंट, आठ एटम्स हैं रिएक्टेंट में। हाइड्रोजन के यहाँ पे प्रोडक्ट में हमें कितने एटम्स देखने को मिल रहे हैं, आठ। इस प्रकार ऑक्सीजन को देखते हैं तो ऑक्सीजन के चार, चार एटम्स हैं रिएक्टेंट्स में, इधर ऑक्सीजन के चार एटम्स हैं प्रोडक्ट में। तो ये केमिकल इक्वेशन जो है वो एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। आगे देखेंगे कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किस प्रकार किया जाता है। देखें बच्चों, ये एक केमिकल इक्वेशन आपके सामने है, क्या ये बैलेंस है, तो पिछली टेबल जो हमने बनाई थी उसी का हम यूज करेंगे। देखते हैं, इधर Fe एक एटम है, इधर Fe तीन एटम है,
इधर हाइड्रोजन दो एटम है, इधर भी दो हैं, पर यहाँ पे Fe नंबर के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं वो सेम नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन एक एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन चार एटम है। तो हम सबसे पहले टेबल का यूज करेंगे, इसमें एलिमेंट्स सारे एलिमेंट्स लिखेंगे जो एलिमेंट्स हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में यूज हुए हैं। Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन इधर भी वही है, इधर हम रिएक्टेंट्स लिखेंगे, इधर हम प्रोडक्ट्स लिखेंगे। तो Fe के जो रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम है वो है एक, Fe के जो नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट्स में है वो है तीन। इसी प्रकार हाइड्रोजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन को लिखते हैं, ऑक्सीजन के रिएक्टेंट में नंबर ऑफ एटम एक है और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम ऑक्सीजन के चार हैं। तो देखें दोस्तों किस प्रकार एक केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस यहाँ पे जितने भी जो रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट हैं, सबसे पहले हम ब्रैकेट का यूज करेंगे। अब जो भी हमें चेंजेस करने हैं वो ब्रैकेट के आगे हम कर सकते हैं, इनटू कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखें यहाँ पे आप बच्चों, Fe Fe रिएक्टेंट में एक है हमारे पास और प्रोडक्ट में तीन है, तो रिएक्टेंट में हमको तीन करना है, तो रिएक्टेंट में हम इनटू करेंगे तीन का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रिएक्टेंट में तीन हुए, प्रोडक्ट में भी तीन हुए, तो रिएक्टेंट में हमको तीन करना है, हमने इनटू किया, तो यहाँ पे भी हम इंटू कर देंगे ब्रैकेट के बाहर। इस प्रकार यहाँ पे भी तीन हुए, यहाँ पे भी तीन हुए। फिर देखते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे दो हैं, यहाँ पर भी दो हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में एक है, प्रोडक्ट में चार है, तो रिएक्टेंट में ऑक्सीजन को बढ़ाना है तो हम इंटू करेंगे चार का। यहाँ पे चार हुए, प्रोडक्ट में चार हैं, रिएक्टेंट में भी हमने चार के दिए, पर हमने इक्वेशन में भी हमको इंटू करना पड़ेगा। तो रिएक्टेंट हाँ ऑक्सीजन ये है, तो हमें यहाँ पे इंटू करना पड़ेगा। यहाँ पे इंटू करने से ऑक्सीजन चार हुए पर हाइड्रोजन भी हमारे बढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन कितने हो गए, 4 2 8, तो हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट में आठ हो चुके हैं, जो हम इस प्रकार कर सकते हैं 4 का इंटू करके, ये हमारे आठ हुए। तो हमको प्रोडक्ट में भी आठ करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी हमें 4 का इंटू करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इस प्रकार आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। इसको हम नीचे सही तरीके से लिख सकते हैं, इस प्रकार हमें हमारी जो रिएक्शन है, जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप रिप्ले इस वीडियो का देख सकते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसको और अच्छे समझने के लिए। देखो बच्चों, ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं, ये प्रोडक्ट है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन, यहाँ पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में कितने एटम्स हैं, एक, प्रोडक्ट में कितने एटम हैं, एक। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में दो एटम हैं, प्रोडक्ट में एक एटम है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे जिसमें हम एक साइड एलिमेंट्स को लिखेंगे, रिएक्टेंट्स में उन एलिमेंट्स के कितने एटम्स हैं और प्रोडक्ट में उन एलिमेंट्स के कितने एटम हैं, ये हम लिखते हैं। देखें मैग्नीशियम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक एक एटम है, ऑक्सीजन देखते हैं रिएक्टेंट्स में दो एटम है, प्रोडक्ट में एक है, तो हम यहाँ पे इंटू करते हैं दो का, प्रोडक्ट में दो का इंटू करते हैं ऑक्सीजन में, तो ऑक्सीजन होते हैं दो, इसलिए हमको यहाँ पे भी मैग्नीशियम ऑक्साइड में यहाँ पे दो का इंटू करना पड़ेगा। दो का इंटू करने से मैग्नीशियम भी दो हो चुके हैं, ऑक्सीजन तो दो हुए ही, मैग्नीशियम भी दो हो चुके हैं, इसके लिए हमें यहाँ पे भी दो लगाना पड़ेगा। तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट में भी दो हुए और प्रोडक्ट में भी दो हुए। इस प्रकार आप देख सकते हैं बच्चों किस प्रकार केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जा सकता है। तो बच्चों कुछ सेल्फ असेसमेंट के लिए हम देखें, अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें से आप खुद का असेसमेंट करें कि कितना आपने इस क्लास से सीखा। दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, इनको आप लगाएं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, इलुस्ट्रेट विथ एन एग्जाम्पल। केमिकल इक्वेशन क्या होती है इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना है। दूसरा क्वेश्चन है कि बैलेंस द फॉलोइंग स्केलेटन
इक्वेशन, ये दो इक्वेशन आपके सामने हैं जो कि बैलेंस नहीं है, इन्हें बैलेंस करना है। इन क्वेश्चंस को आप अवश्य लगाएं और आपकी तैयारी किस हद की है इसको अवश्य चेक करें। नई क्लास के साथ, नई लर्निंग के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।